अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, और जी आज हमें ज्वाइन किया है सुमित पीर साहब ने, जो कि आप सब जानते ही हैं सुमित को, और देखते रहते हैं डिफरेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर भी और हमारे चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू फॉर इनविटेशन। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आके, काफी थैंक प्रोडक्टिव यू। बातचीत होती। थैंक यू वेरी मच मैम। एक तो सुमित जी, हम आपसे ये मालूम करना चाहेंगे, आपसे हम थोड़ा सा सीखने को होगा हमें कि कश्मीर में आजकल क्या हो रहा है। फिर दोबारा से हम देख रहे हैं कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ पार्टीज जो हैं वो बात कर रही हैं आपकी साइड की, और दोबारा से क्या दोबारा 370 की बात हो रही है या क्या चल रहा है वहां पे, आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। इस पे डिबेट चल रही थी अभी, मैं एक डिबेट से निकल के आया हूँ। नेशनल डी में थी तो काफी 5-6 दो चार दिन से, मैं बोलूंगा 10-12 डिबेटे तो इसी में निकल गए आरजू जी, और प्राइम टाइम पे जा रही है सारी, क्योंकि मुद्दा यही है आज का। अच्छा, आपके सवाल पे आरजू जी, हो क्या रहा है वहां पे? डीडीसी इलेक्शन हो गया, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो गया, पंचायत इलेक्शन हो गया, एक बीडीओ लेवल का भी एक चुनाव हुआ था। अब वहां पे बात चल रही थी डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन था क्योंकि अगर आप उसका एरिया देखें, अगर जो पहले जो हिसाब किताब बना था 370-35 से पहले, जो कश्मीर वैली है ये 15% एरिया में, इस 15% एरिया में 60% असेंबली सीटें हैं। तो ये जो मैं अगर आपको डायरेक्टली बोलूं, तो मैं नेशनल टीवी पे भी कई बार बोल चुका हूँ और बिला हर चैनल पे बोल चुका हूँ, वहां का इलेक्शन फिक्स मैच है, क्योंकि जो भी नुमाइंदा चुन के आएगा वो वैली से ही चुन के आएगा। इसीलिए आप देख रहे हो पिछले 70 साल से वैली से ही चीफ मिनिस्टर चुन के आता है, जम्मू से नहीं आता, अपना लद्दाख से, लेह से, कहीं से नहीं आता था। जबकि एक अजीब सी इक्वेशन है, 15% एरिया, 60% ऑफ द असेंबली सीट्स। तो अब पीछे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ आपको। ये जो सेपरेटिस्ट थे, हुरियत हुरियत वाले, इन्होंने कई बार पहले, कुछ 4-5 साल पहले, कई साल ये कहते जी इलेक्शन बायकॉट करो। जम्मू का जो रीजन है, रीजन पूरा पूरा वोट करता था, पूरा लेह लद्दाख कारगिल वोट करता था, वैली में 7% वोटिंग होती थी आरजू जी, 7%, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीएम बनता था। अब इस लॉजिक का मैजिक क्या है, 7% वोटिंग पे आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हो? लॉजिक सिंपल ये है, आप वोट करो तब भी आप जीतो, ना करो तब भी आप जीतो, पूरी डालो तब भी आप जीतो, 7% डालो, 7% वोट में पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया में, ऐसा बताइए और जादू कहाँ होता। मैं तो सब सियासतदानों को बोलूंगा, भाई ये जादू सीख लो, ये जो जादू पर वो टोपी में से खरगोश निकालना है उससे भी बड़ी ट्रिक थी। 7% वोटिंग मैं सीएम, 10% वोटिंग मैं सीएम। तो ये वहां डिलिमिटेशन की बातें हो रही, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उसने रिपोर्ट देने वाला 2-4 महीने में। तो अब वो जो सीटों का वहां जो वो अरेंजमेंट है, वो लॉजिकली और एज पर पॉपुलेशन और एज पर डेमोग्राफी उसको किया जाएगा। अब मोदी जी ने जो हमारे श्रीनगर के रीजनल पार्टीज है, पीडीपी है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, महबूबा जी है, उनको बोला भाई करीब 14 पार्टी कुछ जम्मू के लिए, उनको बोला हमसे आइए, हम आपसे बात करेंगे। अब वहां वो फंस गए, वहां पे कह रहे जी, अब कहते ना आगे कुआं पीछे खाए, जाऊं तो जाऊं, खा जाए तो मरे, ना जाए तो मरे, जाए तो, क्योंकि देखिए मोदी जी और जो हमारी गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है आरजू जी, 370 एंड 35A इज नॉन नेगोशिएबल। आपको इसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि हम जब डिलिमिटेशन होगा फिर एक इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन, तो जो भी नुमाइंदा चुनके उसमें एनसीआई, पीडीपीआई, बीजेपी, जो भी चुनके, जो भी डेमोक्रेटिकली चुना जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आइए और बात करिए। अब ये कहते जी हम 370 के बारे में बात करेंगे, और मोदी जी और का कहना भी 370 पे तो बात होगी नहीं, वो तो खत्म है। अब ये जाना भी चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं। अब ये वही लोग है आरजू जी, आपको लास्ट टाइम याद होगा बोला था हम डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर इन्होंने लास्ट में पार्टिसिपेट कर दिया। और विडंबना बताऊं आपको, और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा दूंगा, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की मिलके बीजेपी से कम सीटें हो रहा, बीजेपी से कम से बीजेपी से कम वोट शेयर रहा इनका मिलके। और महबूबा मुफ्ती जी जो कहती थी भाई हमारा पूरा जेएंडके, हमारा कश्मीर हमारा, 10% सीटें भी नहीं है इनकी पीडीपी डीडीसी इलेक्शन में, टोटल 10% भी नहीं है इनकी। और यही लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। अब महबूबा जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है साउथ कश्मीर, साउथ कश्मीर में उनका वोट बैंक है जमायत इस्लामी वाला, जो कार्डर है वही उनका कार्डर है। इवन जो जमात इस्लामी का जो चुनाव चिन्ह होता है, जिसे इलेक्शन सिंबल कहते हैं, वही उनका चुनाव सिंबल है। अब महबूबा जी करें कि उनकी पार्टी से बन गई जी अपनी पार्टी, जो बुखारी साहब की पार्टी है, सारे लोग उनके ही है। अब महबूबा जी सोचे दिल्ली आए ना आए, अब दिक्कत क्या है आरजू जी, धर्म संकट का,
धर्म संकट है, इट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस। अगर आप नहीं आएंगे डीडीसी इलेक्शन में नुमाइंदे चुन के आ गए, पंचायती इलेक्शन हुआ, बीडीओ का इलेक्शन हुआ, जितने तीन चार इलेक्शन उसके बाद हुए सारे सक्सेसफुल रहे। अब ये जाए तो लोग क्या बोले, ना जाए तो बस छूट जाए। तो ये वही वाली बात है, बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, भीग रहे बस है जा रही है, तो आपको मतलब या तो बस के पीछे भागो या नहीं रह जाओगे। आप अनफॉर्चुनेटली आप ड्राइवर सीट पे तो हो नहीं, आपके पास कोई कंट्रोल है नहीं, आपके पास सत्ता है नहीं। दो साल आपके बिना स्टेट से रुकी, दुनिया भर के नए नौजवान लड़के लड़कियां चुन के आ गए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये अब धर्म संकट में फंसे कि जी करे तो करे क्या। अब ये थोड़ा बोलते हैं जी कभी कहते हम आएंगे, कभी कहते हम नहीं आएंगे, कभी कहते हमें 370 चाहिए, कभी कहते नहीं हम जाके बात करें। प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई एजेंडा सेट नहीं है, एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस आपको बुलाया गया आपको ओपिनियन देने के लिए। मैं तो खुला ये बोला कई बार हर चैनल पे, मैंने कहा यू हैव, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड अ वोट। यू हैव अ ओपिनियन, यू डोंट हैव अ वोट। आपसे पूछ के मोदी जी ना डिलिबरेशन कर रहे हैं, ना इलेक्शन कर रहे हैं, ना ए कर रहे हैं, ना बी कर रहे हैं, ना सी कर रहे हैं। वो प्रक्रिया चल रही है, चालू है। लास्ट टाइम आपने बोला 370 हटाए, जी हमसे बात भी नहीं की, अब आपको मौका दे रहे हैं, इसलिए टेक इट और लीव इट। आप आए बहुत बढ़िया, नहीं आए ठीक है आपकी मर्जी। देखिए हमारा कमिटमेंट है रीजन के लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए उसकी मतलब स्टेटहुड रिस्टोर करना, इलेक्शन करवाना, वो सब तीन इलेक्शन करा लिए, असेंबली इलेक्शन भी जल्दी करा देंगे ईश्वर की कृपा से, वो सब चलता रहेगा। बट अब ये इनके साथ होता है अर्जुन जी या इनके बगैर होता है, सवाल इतना सा, डिसाइड इनको करना, पॉलिटिकल कैरियर इनका है, राजनीतिक वर्चस्व इनका है, द शो विल गो ऑन विद और विदाउट देम। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर आप क्या समझते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर जो कश्मीर में लोग हैं उनके लिए सब कुछ मोदी जी ने परफेक्ट कर दिया है, तो फिर ये वहां के लीडर्स जो हैं वो उठकर ऐसी बात क्यों करते हैं? और कई बार डिबेट्स में भी जो लोग आते हैं जो कश्मीर की साइड से आते हैं और वो बात करते हैं, माजिद हैदरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम है, तो वो काफी मुझे अपसेट लगते हैं और वो काफी नाराज लगते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो लोग क्यों नाराज हैं? अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो वो लोग नाराज क्यों हैं? देखिए आपने बहुत माकूल सवाल किया अर्जुन जी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। इसका मैं आपको जवाब दूंगा विद फैक्ट फिगर्स एंड नंबर्स। देखिए क्या होता था, जब 370 और 35A लगा था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था वहां पे, आईपीसी वहां पे लगता नहीं थी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड नहीं लगता था, राइट टू एजुकेशन नहीं था। अगर एक कश्मीर की लड़की कश्मीर से बाहर शादी कर ले उसकी प्रॉपर्टी खत्म, जबकि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, इनकी जो मदर है वो फॉरेनर है और इनकी जो दादी थी वो भी फॉरेनर है, पर वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, पर अगर कश्मीर की एक लड़की ने बाहर शादी कर ली उनको कहानी खत्म। जो हमारा वाल्मीकि समाज जिसे हम कहते हैं उनके राइट्स नहीं थे, राइट टू एजुकेशन नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा राज्य था भारत में जहां राइट टू एजुकेशन नहीं था? तो ऐसी कई सारी चीजें थे। अच्छा वहां सीएजी हमारे होता ऑडिटर जनरल, आई कांट रिमेंबर द फुल फॉर्म, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो पूरे ऑडिट करता है इंडिया का, हर इदारे का, हर सरकार की चवन्नी का ऑर्डर करता है, सीएजी का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था। अब ऐसे में आप देखिए हजारों करोड़ के पैकेज आ रहे थे अर्जुन जी, हजारों करोड़ के, और आपको पैकेजों की मजेदार बात बताऊं, 90,000 करोड़ का पैकेज, 80,000 करोड़ का पैकेज, मतलब $10 बिलियन, 80,000 करोड़ $10 बिलियन, 25,000 करोड़ सब गवर्नमेंटों ने पैकेज दिए। अगर आज आप डाटा निकाल लेंगे 90% पैकेज जाता था कश्मीर में, ठीक है जी, 8% पैकेज जाता था जम्मू में और 2% जाता था लद्दाख में। पहले तो इनको बोलिए भाई अगर ये एक ही टेरिटरी है तो ये डिविजन क्यों, वाई 90% 8% एंड 2% पहली बात। दूसरी बात, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना ऑडिटर, ना आईपीसी, ना सुप्रीम कोर्ट, ना एनआई, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी वहां पे। अब उस पैसे का क्या होता था, वो पैसा कहाँ जाता था और कहाँ जाता था, समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ आपको, कहाँ जाता था। अब जब ये राजनीतिक ताने बाने रुक जाते हैं, ये जो मतलब जो करोड़ों रुपए बरसते थे वो रुक गए, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, होना स्वाभाविक भी है, हम तो उम्मीद करते हैं कि उनको तकलीफ होगी। अब मुझे बताइए ऐसे कई स्कूल थे जो कागजों में बनते थे, ऐसी कई सड़कें थी जो कागजों में बनती थी, पर और सबसे बड़ी थी टेररिज्म चल रहा था तो ऑडिट वॉडिट भी कुछ होता नहीं था। तो जब ये सब रुक गया, अब सब हिसाब किताब है, एक एक पैसे का हिसाब दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 370 इसीलिए, तकलीफ वहां है, दुकान रुक गई है, धंधा बंद हो गया है,
और अब देखिए हजारों करोड़ के पैकेज आ रहे थे। और आपको एक और चीज बोलूंगा, थोड़ा रेलिवेंट है इस टॉपिक के लिए। आपको अरसू जी पता है जो जेएंड के स्टेट था, पुराना स्टेट, इसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है माता वैष्णो देवी श्राइन, जो नंबर टू हाईएस्ट विजिटेड पिलग्रिमेज नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड में है। नंबर वन है तिरुपति बालाजी, ये स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है। अगर आज आप जम्मू का एयरपोर्ट देखिए, बस स्टैंड लगता है, और श्रीनगर का देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं जम्मू, करोड़ों लोग आते हैं जम्मू, जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, वहां जाके मंदिरों की हालत देखिए। जो पैसा आता था 90% श्रीनगर, 8% जम्मू, 2% लद्दाख, ये क्यों? अब वहां इक्वेशंस बनी थी, कॉन्ट्रैक्टर थे, सब कुछ था, पैसा आता था, लोगों की दुकानें चलती थी, और जब ये इस पे हिसाब किताब लगने लग गया तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आएंगे, वो तकलीफ होगी। या तो मैं एक रेटोरिक बोलूं जी, नहीं जी ये हमें करना चाहिए, ये मैं तो आपको फैक्ट्स के डाटा के साथ बोल रहा हूँ, नेशनल टीवी पे डाटा दे चुका हूँ, जवाब नहीं तो उनके पास कोई बोले, मैं बोल रहा भाई बोल दो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं गलत नहीं बोल रहा। डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सीटें आपके पास, पैसा आपके पास, जब आपको दोनों चीजें मिले, सत्ता भी मिले और मलाई भी मिले, तो तकलीफ कहाँ आरजू जी? दुनिया में किसी की भी हिलाएंगे ये दोनों चीजें, तकलीफ होगी, होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर, हम तो मान के चलते तकलीफ होगी, इसीलिए बालक रहे। अगर लोग साथ ना हो, मुझे बताइए 51 लाख लोगों ने वोट किया टीडीसी इलेक्शन में, यंग लड़के लड़के, और कश्मीर वैली से सिलेक्ट होने वाला हर कोई मुसलमान है, डायरेक्ट बोलता हूँ, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, किसी का भी कैंडिडेट हो, ये जो नई लीडरशिप उभर के आई, और पढ़े लिखे लोग, इन्हें डेवलपमेंट चाहिए, इन्होंने पिछले 30 साल से बम बंदूक से तंग आ चुके हैं, ये देख रहे एस्पिरेशन, ये देखते दिल्ली में क्या हो रहा है, ये देख रहे बेंगलोर में क्या हो रहा है, अच्छा ये लड़का पूरे इंडिया घूमा है, ये लड़की पूरे इंडिया घूमी है, इससे पता है दिल्ली का गुड़गांव का लाइफ स्टाइल क्या कहता है, भाई मेरे यहाँ क्यों नहीं है वो, इससे इनको डर लग रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 51 लाख लोग वोट ही नहीं देते। अगर लोगों को दिक्कत होती क्यों अब लाख लोग वोट नहीं, अब अब्दुल्ला को दिक्कत है, मुफ्ती को दिक्कत है, कि किसी और सियासी ताकत को, किसी बड़े ठेकेदार को दिक्कत है, किसी ठेकेदार के रिप्रेजेंटेटिव को दिक्कत है, हाँ हो सकती है, क्या करें? ये जो जेएंडके का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा है एज पर पावर इंडिया, क्यों था? पैसा तो इंडिया ने सबसे ज्यादा भेजा, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग आरजू जी 70 साल में अगर किसी स्टेट पे हुई है, जेएंडके में हुई है। डेवलपमेंट आप दे दीजिए, कर्नाटका से कंपेयर कर लीजिए, यूपी, मैं तो कह रहा हूँ यूपी से कंपेयर कर लो, क्यों नहीं है डेवलपमेंट? पैसा मैं बता दूं आरजू जी, पैसा कहाँ गया? ऐसा नहीं पैसा नहीं भेजा, मंशा क्लियर थी, हजारों करोड़ भेज दिया, 3 गुना स्पेंडिंग है ऑन जेएंडके देन एवरेज स्टेट, ये पैसा गया कहाँ? ये जादू क्या है? 7% पे इलेक्शन जीतते हो, हजारों करोड़ के पैकेज आते हैं, कोई डिटेल्स आप लोग नहीं लेते, किसी किस्म का पूछते नहीं है कि पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा। देखिए जब तक 35A और 370 था तब तक आपका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था ना, मैंने आपको पहले समझाया, जब ये हट गया अब तो पूरा सवाल है जी, जवाब है, हिसाब किताब लेंगे, जितना यूपी की अकाउंटेबिलिटी उसकी जेएनके की अकाउंटेबिलिटी है, हर एक की अकाउंटेबिलिटी इक्वल है, डेमोक्रेसी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए चेक, होना चाहिए चेक एंड बैलेंस, जब तक नहीं होगा तो काम ठीक नहीं होता। लेकिन साथ ही एक 2-3 दिन पहले बीबीसी पे एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो इकोनॉमी जो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं रही भारत की, आप इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल देखिए आरजू जी, जो पिछले 7 साल का उन्होंने दिया था, 2-3 साल का नहीं, 7 साल में वो कह रहे थे। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा जी, बिल्कुल, और डाटा के साथ दूंगा। अब ये बीबीसी वाले कहां से इन्फॉर्मेशन लाते हैं, मैं तो जो पब्लिक फोरम में डाटा हो, जो इंटरनेशनल इदारे कहते हैं वही कहता हूँ। अब देखिए पहली बात, जब मोदी जी आए थे तब जीडीपी करीब 1 ट्रिलियन था, अभी मोदी जी के फर्स्ट एनुअल में हमने 1 ट्रिलियन ऐड किया, अभी 3 ट्रिलियन जीडीपी हो गया, तो जीडीपी तो हो गया जी 3 गुना, तो बीबीसी वालों को बोले भाई 3 गुना 1 से 3 ट्रिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $121 बिलियन, पीछे था $700 बिलियन, ग्रोथ रेट रही है करीब 8%, आईएमएफ ने बोला अगले साल विल ग्रो एट 9.8%, उस पर आपसे डिबेट भी हुआ था पूरे, हम आंकड़े पर बैठे। फॉरेन एक्सचेंज आर्म्स प्रोक्योरमेंट बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घटी है, ठीक है जी, इन्फ्लेशन इज लेस देन 3%, फूड इन्फ्लेशन इज लेस देन 2.7%, मैं 5 साल का डाटा बता रहा हूँ। हाँ, जब चाइनीज वायरस आया दुनिया भर का जीडीपी खत्म हुआ, आरजू जी उम्मीद ने अनुमान है, जो दुनिया भर का जीडीपी का हिट लगा है, वर्ल्ड का जीडीपी करीब $96 ट्रिलियन था बिफोर चाइनीज वायरस, एंड आफ्टर चाइनीज वायरस देयर इज अ हिट ऑफ 25 to 30 ट्रिलियन, ये पूरे विश्व में डिवाइड हुआ, तो उसका कुछ हिट भारत में भी आया, कुछ पाकिस्तान में भी आएगा, हर जगह जाएगा, अपने हिस्से का बटेगा,
बट वहां माइनस दैट मुझे बताइए कौन सा इकोनॉमिक पैरामीटर में बीबीसी के बहुत शायद बहुत पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रखा है, वर्ल्ड की नंबर टू यूनिवर्सिटी। तो भाई मुझे भी बताइए कौन सा इकोनॉमिक पैरामीटर, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, कौन सा ऐसा आंकड़ा जो आप मुझे बताइए ये आंकड़ा था जी, अब ये आंकड़ा आप इसको समझाइए। मैंने आपको 10 आंकड़े गिना दिए, इसमें कहां कमी है, मैं तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करूंगा। देखिए परसेप्शन का तो इलाज मेरे पास है नहीं, मैं कल को बोलूं जी पाकिस्तान इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मेरा परसेप्शन है। मैं बोलूं पाकिस्तान इज द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डजंट मैटर, दैट इज माय परसेप्शन। आप मुझे बोलेंगे सुमित जी डाटा बताओ ना किस पैरामीटर से कह रहे हो, राइट? परसेप्शन तो इज अ काइट इन द स्काई, यू कैन कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिर हो तो डाटा से ही पता लगेगा, लेकिन आप बीबीसी को आप रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना, बीबीसी को आप रिजेक्ट तो नहीं कर सकते के कर सकते हैं। देखिए आरजू जी अगर बीबीसी के आर्टिकल में डाटा दिए, मैंने 10 आंकड़े दिए, मेरा डिबेट कर ले कभी बीबीसी वाले, मेरा इंटरव्यू कर ले लाइव टीवी पे कर ले, मैं तो 15-25 और आंकड़े दूंगा। आपको याद होगा एक बार आपके साथ डिबेट किया था, पूरे मैंने सारे फैक्ट फिगर्स डाटा किस दिया था आपको। तो अगर डिबेट हो मैथमेटिक्स में, देखिए इकोनॉमी आप बोले जी इकोनॉमी में एक चीज अच्छी है आरजू जी, मैथमेटिक्स है। आंकड़ा आप फर्स्ट ईयर का कंपेयर करिए आपका, मैंने आपको जीडीपी बताया, मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताया, मैंने इन्फ्लेशन बताया, लास्ट टू इयर्स को तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कोरोना की वजह से सभी जगह हुआ है, लेकिन वो 7 इयर्स का उन्होंने मगर 7 इयर्स का हमने 1 से 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर ली, 121 बिलियन से 700 बिलियन का रिजर्व कर लिया, इन्फ्लेशन इज लेस देन 3.5%, फूड इन्फ्लेशन इज 2.7%, हमारा डॉलर रिजर्व बढ़े हैं, हमारे आर्म्स और एम्यूनिशन हमने ऑल टाइम हाई खरीदा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ी है, एफडीआई आ रहा है और हर साल बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर आई थिंक इट वॉज अराउंड $60 बिलियन का जो लास्ट ईयर एफडीआई था, एफडीआई डेस्टिनेशन में इंडिया हैज बिकम नंबर 1 एफडीआई डेस्टिनेशन, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब ये जो हमारे बीबीसी के दोस्त है, अब अगर ये अब देखिए उर्दू में क्या कहते हैं अर्जुन जी से, खाबे गफलत में रहते हैं और ये गालिब के शायराना अंदाज में आर्टिकल लिख ले तो जी मैं तो हाथ जोड़ूंगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। नंबर की बात करे, देखिए मुझे शायरी नहीं आती, नंबर की बात करे, इकोनॉमिक्स की बात करे, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करे, मैं जवाब दे सकता हूँ। बाकी जी मेरे को सपने में क्या, वो वाले वो लिखते थे मेरे को सपने में हसीना आई और उसके ऐसे जुल्फे और ऐसे नैन और ऐसे नक्श, अगर ऐसे हमारे जर्नलिस्ट आर्टिकल लिखने लगे तो क्या होता है विद टाइम उनकी ही जो ये होते हैं ना व्हाट यू कॉल दिस गुडविल वो खत्म होती है। हाँ हो सकता है 1, 2, 3 पैरामीटर अच्छे नहीं हो, संभव है। अगर मेरे पास 10 मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है, इफ आई एम डूइंग वेल ऑन 7 आई एम ओवरऑल डूइंग वेल, आई माइट नॉट बी डूइंग वेल ऑन 1, 2 or 3 एग्रीड, बट गिव दोस 3 पैरामीटर्स, गिव 7 पैरामीटर्स, लेट पीपल डिसाइड अ डिसीजन। देखिए आपके लाख कहने से कुछ नहीं होगा और सच्चाई तो चलिए आप लास्ट पॉइंट बोलूंगा इसमें, एक टाइम अवर इकोनॉमी इज बिगर देन द यूकेज इकोनॉमी, एक टाइम में हम गुलाम रहे, तब जब यूनाइटेड इंडिया था गुलाम रहे उनके, कॉलोनी रहे, एक टाइम में मैडम यूके वाज द बिगेस्ट सर्विस इकोनॉमी, वी हैव इवन टेकन ओवर यूके एज द बिगेस्ट सर्विस इकोनॉमी, ठीक है जी, जीडीपी में उनसे ऊपर, पीपीपी में उनसे आगे, आगे सर्विस इकोनॉमी में उनसे आगे। तो अब ये जो घर, ये जो हम उनकी कॉलोनी थी और आज 70-75 साल में उनसे भी आगे चले गए, काफी लोगों का ना दिल जलता है, हजम नहीं होती जी। देखिए डकारे आती है, हाजमोला चाहिए, बर्नौल चाहिए, कई सारी चीजें चाहिए, अब जब मिलता नहीं तो क्या करते ना, पेपर पे गुस्सा उतार देते आरजू जी, चलो पेपर लो कंप्यूटर लगी लगी लगी, तुम ये अभी गलत है, अभी गलत है, अभी गलत है, अभी गलत, चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आप ऐसा कह रहे तो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी सुमित जी के, आपको मालूम है कि इंडिया में भी रेप केसेस काफी होते हैं और दिल्ली तो काफी न्यूज में रहा है, पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस हुए हैं और इवन छोटे बच्चियों के साथ 4 साल की 5 साल की और इस तरह से, और अभी भी आप देख रहे होंगे 1-2 दिन से ट्विटर पे कि किस किस तरह के मदरसों का बताया जा रहा है और क्या कुछ चल रहा है। तो उसपे इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने भी सुना होगा कि जी वो लेडीज के जो ड्रेसेस होते हैं उससे फर्क पड़ता है और उससे सारा कुछ होता है, अदरवाइज तो रोबोट ही है जो रिस्पॉन्ड ना करे। तो डू यू एग्री विद हिम या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अगर मैं इंसान का बच्चा हूँ और मेरे यहाँ थोड़ा सा भी दिमाग है, मैं उनको एग्री करने का मतलब है मैं अपनी माताओं बहनों को और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को गाली दे रहा हूँ।
आप बताइए, मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप लेडीज हैं, मैं किस मुंह से आरजू जी क्या शक्ल लेके मैं जाऊंगा बाहर? ये आप दुनिया की 50% पॉपुलेशन पर लांछन लगा रहे हो, यू आर पुटिंग एलिगेशन ऑन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उसी माँ ने आपको जन्म दिया है, आपको जन्म देने वाली माँ है जो औरत है, जो लेडी है, और आप उसी की बात करें। देखिए, आपके पॉलिटिकल फायदे हो सकते हैं, 50 पॉलिटिकल इश्यू मिल जाएंगे इमरान खान नियाजी को, मुझे बताइए आपकी हिम्मत कैसी हुई अपने लेडीज को ये बोल दिया? मुझे बताइए, आप और इमरान खान साहब के तो खूब फोटो वायरल हुए हैं, जो उनकी एक दो वाइफ्स थी, वो थी, ये थी, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? यू आर लेजिटिमाइजिंग दिस, आप इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देख रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं पूरे महिलाओं का, यू आर इंसल्टिंग द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर इंसल्टिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं कह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल ब्लंडर किसी को कहे, किसी को हिमालयन ब्लंडर कहे, अगर पॉलिटिकल सुसाइड भी छोटा, अगर मान लीजिए सामने ट्रेन आ रही हो, मैं ऐसे खड़ा हो जाए, भाई ट्रेन में आओ, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, ये तो वैसा स्टेटमेंट है, मतलब यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर गोइंग एंड लुकिंग फॉर ट्रबल। क्या आपका इंप्रेशन रहा, क्या आपका परसेप्शन रहा? मैं मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, भाई कुछ भी कहिए, कहीं भी करिए, ये क्या मतलब है? आप उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देख रहे, यू आर जस्टिफाइंग ऑल दिस, मतलब क्या मतलब है? कहां है जहनीत? और ये जो मदरसों में केस आए, यहां तो कुछ लड़के भी थे, अब लड़कों का क्या सीन थे? उस पर भी नियाजी साहब कुछ बयान बताए, लड़कों के भी ऐसे होते हैं। ये जो आरजू जी गलत चीज है ना, ये गलत है। फीमेल्स आर नॉट सेक्स ऑब्जेक्ट्स, फीमेल्स आर नॉट टू बी सीन फ्रॉम अ सेक्सुअल पर्सपेक्टिव ओनली, वो माताएं बहने हमारा 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनके बिना ये सृष्टि, ये संसार, ये दुनिया नहीं चल सकती। आपको और मेरे को जन्म देने वाले, इमरान खान को जन्म देने वाली भी एक लेडी है, व्हाई डू वी फॉरगेट दैट? हमारा ये मेल बायस क्यों है? व्हाई आर वी सो मच बायस्ड? ये क्यों है ये? और ये पॉलिटिकली डिजास्टर है। और मुझे रियली रियली लगता है, जो इमरान खान की एक टाइम में इमेज थी, वेस्टर्न एजुकेटेड भाई, फॉरवर्ड लुकिंग है, नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, नया पाकिस्तान, ये आप जस्टिफाई कर रहे हो? मुझे बताइए, ये जो हमारा कोई बिल्कुल अंगूठा छाप जाहिल, कोई बिल्कुल ही गया गुजरा आदमी होगा ना दुनिया के किसी कोने में, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। हाउ कैन यू लेजिटिमाइज दिस? आप इसको लेजिटिमाइज कैसे कर सकते हैं? लेकिन उनके मिनिस्टर्स कर रहे हैं, वो बेचारे उनके मिनिस्टर्स सुबह शाम उनको बचाने में लगे हैं, और तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी है। और आई थिंक उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, और जो उनके लिए बात कर रहे हैं मीडिया में आकर, उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो अभी भी इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जी उनको तो सल्यूट करना चाहिए। मुझे बताइए, मैं मुझे एक बात समझ, जो इस मीडिया पे आरजू जी इसको डिफेंड करे, वो घर घर भी तो जाता होगा, घर में माँ भी है, बहन भी है, वाइफ भी है, बेटी भी है, क्या शक्ल दिखाते हो उनको, किस मुंह से जाते हो? आप देखिए, कौन आई, हमने इससे पहले भी डिसाइड एक बार बात की थी, मैं कौन होता हूँ 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को सरमन देने वाला? मेरी क्या औकात, किसी की क्या औकात? आप एज ए लेडी जो मर्जी करे, जो मर्जी पहने, आखिरकार हम इंसान हैं, हम हैवान थोड़ी ना जानवर। आप इस सोसाइटी को क्या वो मतलब, ये आदमी और जानवर में फर्क क्या रह गया फिर? बताइए क्या फर्क रह गया फिर? वी व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल। आप तो सोसाइटी हटा रहे, कह रहे सोसाइटी तेल लेने गई एनिमल। ये मतलब देखिए, पॉलिटिक्स इस पर कुछ नहीं, आरजू जी हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात कुछ नहीं है इससे। अगर दिल रेली दुखा है, मतलब, और कहते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं हिंदी में, आत्मा घायल हुई है, दिस इज हर्टिंग द सोल, दिस इज हर्टिंग द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, यू शुड नेवर एवर हैव डन दिस। आप अपोलोजाइज कीजिए, अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए, हम सब लेडीज का आदर सम्मान करते हैं, हमारी माताएं बहने हैं, और उनके कारण हम आज इस धरती पे, आई नो आई एम हियर एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इनको इस चीज पे सोचना चाहिए और इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, एज अ पॉलिसी मांगनी चाहिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू सर।